पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 43% हिस्सा सूबे बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। सूबे में ज्यादातर आबादी बलोच और पश्तून कबाइल की है। सूबे बलूचिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 70 से 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि बलूचिस्तान के साथ तकरीबन 700 किलोमीटर की एक अहम साहिली पट्टी भी है। सूबे का 1200 किलोमीटर सरहदी हिस्सा अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। इस हिस्से के दोनों तरफ पश्तून और बलोच कबाइल की बड़ी तादाद आबाद है, जबकि सूबे की सरहद के दूसरे हिस्से का 905 किलोमीटर इलाका ईरान की सरहद के साथ मुंसलिक है। इस हिस्से में दोनों तरफ बलोच कबाइल आबाद है। बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तर्ज जिंदगी और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात कैसे हैं? और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में शदीद एहसास महरूमी पाया जाता है? ये सब कुछ जानने के लिए हमने बलूचिस्तान के बाज इलाकों का रुख किया। हमारी यही कोशिश है कि सब कुछ आप तक वैसा ही पहुंचाए जैसा कि हमने वहां जाकर न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस भी किया। हमने अपने सफर का आगाज डिस्ट्रिक्ट मौशकी से किया। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने में इस मकाम का बड़ा हिस्सा है। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका इसी मकाम पर किया और इसी बात से आप डिस्ट्रिक्ट मौशकी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये नौशकी शहर है। यहां से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सरहद तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर है। नौशकी में हम सबसे पहले यहां अरसे दराज से मुकीम एक आबादकार से मुलाकात करना चाहते थे। आबादकार से मुराद मुल्क के दीगर हिस्सों से बलूचिस्तान आकर बसने वाले लोग हैं, मगर जब हम उस आबादकार के घर पहुंचे तो हमें ये जानकर शदीद मायूसी हुई कि वो अपने खानदान समेत नौशकी शहर छोड़कर जा चुके हैं। इस बात का अंदाजा उनके घर के दाखिली दरवाजे पर लगे ताले को देखकर हुआ। बाद में हमें पता चला कि उनका खानदान भी बलूचिस्तान में आबादकारों के साथ होने वाली टारगेट किलिंग का निशाना बना। बलूचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन, लोगों के अगवा जैसे मसाइल के बाद टारगेट किलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के असरात इस शहर पर नुमाया। यहाँ मामला ऐसे है, जब कोई मैंने आपको पहले बताया कोई कोयटा से या खुजदार से या बलूचिस्तान के दूसरे इलाके से गायब होता है, फिर ये मोबाइल मैसेजेस की जो दरबार होते हैं पूरे बलूचिस्तान में, इसका जो मेरे ख्याल में पहले ही दिन से सबको मालूम करते हैं कि भाई फिलहाल जगह से फिलहाल ये जुल्म हुआ है, ये गायब हुआ है, इस तरह। फिर हम नौशकी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, लेकिन यहां हमें कौमी परचम लहराता दिखाई नहीं दिया। बलोच आबादी वाले इलाकों में मौजूद ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में यही सूरत हाल है। यहां तालीमी इदारों की इंतजामिया चाहते हुए भी कुछ करने से डरती है। कॉलेज में असातिज़ा की तादाद ना होने के बराबर है। आपको पता है यहां पे एक रिमोट एरिया है और यहां पे कोई फीमेल टीचर्स जो है वो अनअक्सर नहीं करती कोयटा से,
वो आते भी हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है जिसकी वजह से वो उनको जाना पड़ता है। अगर आए भी तो वो अपनी ट्रांसफर करवा लेती है, वो यहाँ पे सिलेक्ट भी होती है यहाँ की सीट पे फिर जाके क्वेटा, कुछ सहूलियात की वजह से और कुछ मुख्तलिफ वजूहात की वजह। ये कॉलेज की लेबोरेटरी है लेकिन अफसोस यहाँ वीरानी ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि यहाँ की लाइब्रेरी का भी यही हाल है। लाइब्रेरी कहते हैं लेकिन यहाँ पर जब हमने बच्चे कुछ टाइम जब फारिग होते यहाँ पर आते पढ़ने के लिए तो यहाँ पर अलमारी खाली खाली पड़ी। आप देख सकते हैं कि कैसे हालात हैं यहाँ की। एक तो गाड़ी का मसला है, गाड़ी नहीं वहाँ पर, एक कोच है, एक बस है, यानी कि वो कितने सालों से वहीं पर पंचर, उसके टायर वो पंचर हो गए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ के तालिबात भी हुसूल इल्म का बेइंतहा शौक रखते हैं, लेकिन असातिज़ा की अदम दस्तयाबी के बायस तुलबा ने अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखना तकरीबन तर्क कर दिए हैं। ये नावर का पानी है जो हम लोग ये पीते हैं, देखो ये बिल्कुल कोई चीज भी इसको नहीं कहता है, जानवर भी इसको नहीं कहते, हम लोग मजबूरी की वजह से इनको पीते हैं।